नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सारे सेगमेंट आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैंने ये भी देखा कि जो प्रश्न मैंने आप लोगों से पूछे, आप लोगों ने उसके कमेंट करके सही आंसर दिए हैं। मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है कि आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं और जान रहे हैं। आप जो ये कॉन्टिनेंट सीरीज़ चल रही है, इसकी एक बुकलेट अलग से बना लीजिएगा, ताकि जब रिवीजन की बात हो तो आप उसी बुकलेट को रिवाइज़ करते चलें, है ना। अब लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने साउथ अमेरिका के काफ़ी पॉइंट के ऊपर बात करी। अब हम थोड़ा आगे चलेंगे और प्रयास करेंगे कि आज के इस लेक्चर में हम साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के अधिकांश बिंदुओं को हम लोग टच कर पाएँ, उसको समाप्त कर पाएँ, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कॉन्टिनेंट सीरीज़ के समानांतर हम एक लेक्चर सीरीज़ और शुरू करेंगे, जो आप लोगों ने पहली वीडियो में देखा होगा, जहाँ पे हमने मेंशन किया था कि कॉस्मोलॉजी, यानी ज्योग्राफी कोई सब्जेक्ट नहीं है, कॉस्मोलॉजी उसी के अंतर्गत ब्रह्मांड विज्ञान और उसी के अंतर्गत ज्योग्राफी। तो ब्रह्मांड विज्ञान का आप लोगों का एक सेगमेंट शुरू हो जाएगा, जहाँ पे आप लोग समझेंगे सौर मंडल में पृथ्वी, सारे सौर ग्रहों के बारे में जानेंगे, तो वो लेटर ऑन आप लोगों को मिल जाएगा। इसी कॉन्टिनेंट सीरीज़ के समानांतर हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि साउथ अमेरिका के संदर्भ में और क्या क्या चीज़ें आपको जाननी आवश्यक हैं। उम्मीद करता हूँ लोकेशन आप लोगों को याद हो गई होंगी, राजधानियों के साथ में हमने कर्क रेखा और मकर रेखा के संदर्भ में भी जाना था कि कौन कौन से क्षेत्र इसके अंतर्गत आ रहे हैं। आप ये भी जान चुके हैं कि कौन से महासागर और सागरों के मध्य ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है। अब इसके संदर्भ में एक पॉइंट लिखिएगा आप लोग, जिसका नाम है मैगलन जल संधि। जल संधि का मतलब आप लोग जानते हैं कि दो लैंड फॉर्म को अलग करेगा और जल धाराओं को जोड़ेगा। तो अगली जो आपको पॉइंट लिखना है वो है मैगलन जल संधि, ठीक है। अब आपको इसमें पता होना चाहिए कि मैगलन जल संधि किसको जोड़ रही है और किसको अलग कर रही है। जल संधि का कंसेप्ट आप लोग पहले लेक्चर में जान चुके हैं। तो इसमें लिखिएगा आप लोग कि मैगलन जल संधि टेरा डेल फ्यूगो, आप देख पाएंगे दक्षिण अमेरिका के दक्षिण में टेरा डेल फ्यूगो, देखिए मैप में मेंशन होगा टेरा डेल फ्यूगो, टेरा डेल फ्यूगो, है ना। मैगलन जल संधि टेरा डेल फ्यूगो को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। तो यानी ये जल संधि कहाँ पे है, ये कुछ यहाँ पे होगी, है ना। ये किसको अलग कर रही है, टेरा डेल फ्यूगो को दक्षिण अमेरिका से ये अलग करती है। आप लिखेंगे टेरा डेल फ्यूगो को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है, दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। अब जब ये लैंडफॉर्म को अलग कर रही है तो किसको जोड़ेगी, अब आप जान रहे हैं, लिखिएगा ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इधर अटलांटिक ओशन आपने पढ़ा था, अटलांटिक ओशन, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से ये जोड़ती है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अगर ये प्रश्न आपकी परीक्षा में दिखता है तो आप लोग इसको गलत नहीं कीजिएगा कि टेरा डेल फ्यूगो को दक्षिण अमेरिका से कौन अलग कर रहा है, मैगलन जल संधि, और किसको जोड़ रहा है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को ये जल संधि जोड़ती है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट मेंशन कीजिएगा कि इस जल संधि के समीप चिली में, इस जल, देखिए चिली आप लोगों ने पढ़ा था, ये रहा जिसकी राजधानी सैंटियागो, आप लिखेंगे इस जल संधि के समीप चिली में पुंटा एरनस आप मैप में देख पाएंगे, मैं लिख दे रहा हूं पुंटा एरनस अवस्थित है। इस जल संधि के समीप चिली में पेंटा पुरनस अवस्थित है, जो विश्व का दक्षिणतम शहर है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये विश्व का दक्षिणतम शहर है। देखिए अब थोड़ा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड मामला होगा, कई सारे कन्फ्यूजन वाले पॉइंट क्रिएट होंगे कि विश्व का सबसे दक्षिण में, साउथ अमेरिका का सबसे दक्षिण में, आपने लास्ट लेक्चर में भी समझा कुछ कन्फ्यूजन वाले पॉइंट थे, लेकिन उनको क्रिस्टल क्लियर रखिएगा ताकि कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, आपने लिखा कि इस जल संधि के समीप चिली में पुंटा एरनस अवस्थित है, जो विश्व का सबसे दक्षिणतम शहर है, सबसे साउथ में ये पड़ता है, ठीक है।
उसके बाद देखिएगा, यह क्षेत्र खनिज तेल भंडार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। खनिज तेल भंडार कौन? खनिज तेल भंडार की दृष्टि से पुंटा एरनस। आप लिखेंगे कि खनिज तेल भंडार की दृष्टि से खनिज तेल भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। महत्वपूर्ण क्षेत्र है कौन? पुंटा एरनस। आप इसको मैप में देख के जरूर मार्क कर लीजिए, इसी जल संधि के समीप है ये, ठीक है। और फिर लिखेंगे लेकिन यहाँ हिमाच्छादन के प्रभाव के कारण तेल का आर्थिक दृष्टि से दोहन अत्यंत कठिन है। हिमाच्छादन होने की वजह से, इस क्षेत्र में हिमाच्छादन की वजह से इसका दोहन बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसका दोहन अत्यंत कठिन है, यानी वहाँ पे ये नहीं निकाल पाते हैं कि इसका दोहन कैसे किया जाए, है कि नहीं है। तो कौन सा क्षेत्र है? पुंटा एरनस, ये ध्यान रखिएगा इसके संदर्भ में। और यहीं पे एक नाम मैं लिखने चल रहा हूँ, USHUAIA, यूशैया टेरा डेल फ्यूगो का मुख्यालय है। ये जो टेरा डेल फ्यूगो है, ये टेरा डेल फ्यूगो आप यहाँ देख पाएंगे, अपने मैप में जरूर देखें। तो टेरा डेल फ्यूगो का मुख्यालय कौन है? यूशैया, ये इसका मुख्यालय है। टेरा डेल फ्यूगो का मुख्यालय क्या है? यूशैया, आप लिख लीजिएगा। जो विश्व का दक्षिणतम स्थान है, देखिए आप कंफ्यूजन होगा, ये विश्व का दक्षिणतम स्थान है। कौन? ये विश्व का दक्षिणतम स्थान है। आपसे एक प्रश्न अभी यहां पे बना कि विश्व का दक्षिणतम शहर कौन सा है। अगर शहर पूछ रहा है, दक्षिणतम शहर बोल रहा है तो पुंटा एरनस, दक्षिणतम स्थान बोल रहा है विश्व का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं, विश्व का दक्षिणतम स्थान तो यूशैया, जो टेरा डेल फ्यूगो का मुख्यालय है। क्लियर आ तक पॉइंट, याद रख पाइएगा। उसके बाद अब एक पॉइंट और जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, फिर लिखिएगा कि केप होर्न दक्षिण अमेरिका का दक्षिणतम बिंदु है। देखिए तीन पॉइंट जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में, ये देखने को बनते हैं। तो आप लिखेंगे केप होर्न दक्षिण अमेरिका का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिणतम शहर पुंटा एरनस, विश्व का दक्षिणतम स्थान उसे सही है, साउथ अमेरिका का सबसे दक्षिणी हिस्सा आपका केप होर्न, इसके संदर्भ में ध्यान रखिएगा, ठीक है। अभी जो टेरा डेल फ्यूगो आपने नाम लिखा, अब इसके संदर्भ में हम जरा बात करें, अब जरा जानिएगा इसके संदर्भ में। देखिए मैं इसका इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। टेरा डेल फ्यूगो के संदर्भ में आपको एक पॉइंट यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जैसे आपके मैप में आप देख पाइएगा कि कुछ इस तरीके से टेरा डेल फ्यूगो, थोड़ा मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से टेरा डेल फ्यूगो बना हुआ है। इसका जो ये पूर्वी हिस्सा है और इसका ये जो पश्चिमी हिस्सा है, इसका पूर्वी और जो पश्चिमी हिस्सा है, इसके संदर्भ में ध्यान रखें कि जो पूर्वी हिस्सा है उस पर अर्जेंटीना का अधिकार है, ठीक है, और जो पश्चिमी हिस्सा है उस पर चिली का अधिकार है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो पूर्वी हिस्सा है इस पर किसका अधिकार है? अर्जेंटीना का अधिकार है, और ये जो पश्चिमी हिस्सा है इस पर चिली का अधिकार है, और ये टेरा डेल फ्यूगो, ये आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से डायमेंशन यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है जी। यानी पश्चिमी हिस्सा चिली के कंट्रोल में है और जो पूर्वी हिस्सा है वो अर्जेंटीना के अधिकार में है। आप यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा कि विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज साउथ अमेरिका में है, वेनेजुएला से लेके नीचे टेरा डेल फ्यूगो चिली तक फैली हुई है, 7 देश इसके अंतर्गत काउंट किए जा रहे हैं, हमने जाना।
अब इसी के संदर्भ में हम आगे बात कर रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं स्क्रीन को इरेज कर रहा हूँ। कोई भी डाउट बने बच्चों कमेंट करके तुरंत पूछिएगा, हमारी टीम और मैं भी आपके कमेंट देखता रहता हूँ, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। बाकी उम्मीद करेंगे, प्रयास करेंगे कोई आपका डाउट क्लास के दौरान ना रहे, है ना। अब जरा यहाँ पे एक चीज़ समझिए कि जो एंडीज माउंटेन है, थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो एंडीज माउंटेन है, ये एंडीज माउंटेन है, एंडीज पर्वत, और जो ये वाला हिस्सा आप लोग देख पा रहे हैं, ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं एंडीज पर्वत के साइड में जो आप हिस्सा देख पा रहे हैं, अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर, इसका नाम है पैटागोनिया डेजर्ट। बेसिकली है तो पैटागोनिया का पठार, और यहीं पे रेगिस्तान भी देखने को मिल रहा है ना। ये बेसिकली पर्वत पदीय पठार है। कैसा पठार है? अब ये टर्म देखिए, आपके सामने नई टर्म आई, आप हो सकता है कन्फ्यूज हो, अभी बात करेंगे इसके ऊपर। आप इसमें लिखेंगे कि पैटागोनिया पठार या पर्वत पदीय पठार, ये कैसा पठार है? पर्वत पदीय पठार जिसको बोला जा रहा है, जो ये बेसिकली पैटागोनिया का डेजर्ट है, पैटागोनिया डेजर्ट या रेगिस्तान कह सकते हैं, पैटागोनिया डेजर्ट या पैटागोनिया रेगिस्तान। एंडीज पर्वत का ये शीर्ष हिस्सा है, ये मध्य हिस्सा है, ये पदीय हिस्सा है, यानी इसके आप नीचे पैर की तरफ ऐसे कह सकते हैं। तो पर्वत पदीय पठार है जिसको पैटागोनिया का रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये वृष्टि छाया मरुस्थल क्षेत्र है। मैंने क्या टर्म बोला? वृष्टि छाया मरुस्थल क्षेत्र। वृष्टि छाया मरुस्थल क्षेत्र, यहाँ पे अगर वर्षा की बात की जाए तो यहाँ पे जो वर्षा है वो 20 से 25 सेंटीमीटर लगभग होती है। वृष्टि का मतलब होता है वर्षा, वृष्टि का मतलब क्या होता है? वर्षा। तो वृष्टि छाया मरुस्थल क्षेत्र यानी यहाँ पे जो वर्षा हो रही है वो 20 से 25 सेंटीमीटर के लगभग यहाँ पे देखने को मिलती है, मतलब इससे भी कम आप कह सकते हैं। ये भी अगर देखिए, अगर 20-25 से ज़्यादा हो रही है तो कहने के ठीक है, ठीक ठाक स्थिति है, लेकिन इससे भी कम देखने को मिलती है सेंटीमीटर, 20 से 25 सेंटीमीटर से भी कम यहाँ पे वर्षा देखने को मिलती है। वृष्टि छाया मरुस्थल क्षेत्र, पैटागोनिया का पठार, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट बना के लिखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने जा रहे हैं आप लोग, लिखिएगा। अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत के, अर्जेंटीना जान रहे हैं आप लोग लोकेशन, अर्जेंटीना के एंडीज, अर्जेंटीना में एंडीज पर्वत के गिरिपदीय पठार को, गिरिपदीय पठार को पैटागोनिया का पठार कहते हैं, गिरिपदीय पठार को पैटागोनिया का पठार कहते हैं, गिरिपदीय पठार को पैटागोनिया का पठार कहते हैं। जो वृष्टि छाया क्षेत्र में अवस्थित एक शीत मरुस्थल का उदाहरण है। तो ये कैसा मरुस्थल है? शीत मरुस्थल का उदाहरण है। ये किस तरीके का मरुस्थल है? शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल का ये उदाहरण है पैटागोनिया का, ये जो रेगिस्तान है जो गिरिपदीय पठार के नाम से जाना जा रहा है। और इसमें एक पॉइंट लिखेंगे कि दक्षिण अमेरिका का यह क्षेत्र भेड़ पालन, दक्षिण अमेरिका का यह क्षेत्र भेड़ पालन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे क्या होता है, कौन सा पालन किया जाता है? भेड़ पालन, ये भेड़ पालन के लिए फेमस है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जो मैंने आपको लिखा है यहाँ पे शीत मरुस्थल, ये UPPCS में पूछा जा चुका है प्रश्न, ये आप ध्यान दीजिएगा कि पैटागोनिया जो रेगिस्तान है, पैटागोनिया का जो पठार है, ये किस तरीके का रेगिस्तान है? शुष्क है, आपका शीत है, इस तरीके के टर्म कहीं ना कहीं ऑप्शन में देखने को मिले। तो आप ध्यान दीजिएगा कि ये शीत मरुस्थल का उदाहरण है, ठीक है।
अब आगे बात करेंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ा जाए। देखिए, अब इसी के अंदर का समझिएगा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था नॉर्थ अमेरिका के संदर्भ में कि नॉर्थ अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरी के नाम से जाना जा रहा है, तो अब साउथ अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जान रहे हैं? अर्जेंटीना में अलग नाम दिया जा रहा है, ब्राज़ील में अलग नाम दिया जा रहा है। थोड़ा इसके ऊपर बात कर लेते हैं, है ना। अभी जो पैटागोनिया का पठार है जो अभी आप लोगों ने पढ़ा, जो पैटागोनिया का पठार है, इससे जब हम लोग आगे मूव करते हैं, जो पैटागोनिया का पठार है, जैसे ही हम लोग इसके आगे मूव करेंगे, आप मैप में जो फिजिकल मैप है उसमें आप लोग देख पाइएगा, वहाँ पे पंपास, ये घास के मैदान है पंपास, तो ये पंपास देखने को मिल रहा है यहाँ पे, यहाँ पंपास देखने को मिलते हैं। फिर जैसे ही उसके आगे हम लोग मूव करते हैं तो ग्रैंड चाको यहाँ पे देखने को मिलता है, ग्रैंड चाको, ग्रैंड चाको। हो सकता है आपके मैप में आप ना देख पाएं, इतनी चीज़ें उसमें वर्णित ना हो, लेकिन समझते चलिएगा। और ठीक उसी के आगे जब हम मूव करते हैं तो वहाँ पे आपको मिलेगा मैटो ग्रेस्पो प्लेटो, नाम है इसका मैटो ग्रेस्पो मैटो ग्रेस्पो प्लेटो, ये कुछ आप आगे की तरफ देख पाएंगे, है ना। जो हम लोगों ने ये डायमेंशन बनाया था साउथ अमेरिका का, इधर एंडीज पर्वत हो गए, जैसे एंडीज पर्वत से आगे बढ़े पैटागोनिया का पठार, पैटागोनिया के पठार से जैसे ही आगे बढ़े ग्रैंड चाको और उसके बाद मैटो ग्रेस्पो प्लेटो। ये आप लोगों को मैप में, हो सकता है अगर अपडेटेड मैप लिया आप लोगों ने तो जरूर देख पाइएगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा ये। अब इसमें ज़रा एक चीज़ समझिए, ये जो मैंने नाम लिखे हैं ये एग्ज़ाम में कैसे पूछे गए कि इनको साउथ से नॉर्थ की तरफ लगाइए, यानी एक नाम पैटागोनिया, पंपास, ग्रैंड चाको और अगला है आपका मैटो ग्रेस्पो, है ना, मैटो ग्रेस्पो। इस पर ध्यान दीजिएगा, ये जो मैटो ग्रेस्पो ये नॉर्थ से साउथ ही लगे हुए हैं, आप इनको ऐसे काउंट नहीं कीजिएगा, यानी नॉर्थ से साउथ की तरफ ये लगे हुए हैं, है ना। नॉर्थ अगर हम इधर वाले हिस्से को बोल रहे हैं तो साउथ ये वाला हिस्सा है, तो आप ये कह सकते हैं कि साउथ से नॉर्थ की तरफ ये लगे हुए हैं। प्रश्न क्या पूछा गया पीसीएस में कि निम्नलिखित को उत्तर से दक्षिण की ओर सजाइए, देख पा रहे हैं, तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं कि किस किस तरीके से ये फैले हुए हैं। अब इसी के संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा यहाँ पर इरेज करूँ, थोड़ी जगह बन जाए इसमें लिखने के लिए, देखिए आप लोग देखेंगे एक गेहूं का अर्ध चंद्र, गेहूं के लिए व्हीट सेमी क्रिसेंट, कुछ इस तरीके से आप लोग इसकी लोकेशन देख पाइएगा। जो ये वाली बेल्ट आप अभी बात करेंगे इसके ऊपर, इस वाली बेल्ट को बोला जा रहा है अर्धचंद्र, अर्धचंद्र। अब ये अर्धचंद्र किससे संबंधित है? ये गेहूं से संबंधित है। अब ये अर्धचंद्र जो बन रहा है जहां पे गेहूं की फसलें बहुत अच्छी हो रही हैं, ये कौन कौन सी लोकेशन को कवर कर रहा है साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंट के संदर्भ में? तो एक लोकेशन आप देख पाएंगे, बाहिया ब्लांका नाम है इसका, बाहिया ब्लांका, बाहिया ब्लांका। उसके ऊपर की जो लोकेशन है उसका नाम लिखेंगे रोसेरियो, रसोरियो। यानी ये वाला जो क्रिसेंट, ये जो अर्धचंद्र बन रहा है, ये गेहूं के उत्पादन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ नाम समझ पाए होंगे, पैटागोनिया जैसे ही आगे मूव हुए पंपास, पंपास से आगे मूव हुए ग्रैंड चाको, उसके बाद मैटा ग्रेस्पो प्लेटो, और उसके बाद हम देखेंगे इस अर्धचंद्र के बारे में जहाँ पे
बाहिया ब्लैंका और रसूरी रसूरियो। ये अर्धचंद्र जो बन रहा है सेमी क्रिसेंट के नाम से जाना जाता है, ये गेहूं की दृष्टि से बहुत अत्यंत उपयोगी है। तो यहाँ पे आप एक मिनट बना के लिखिएगा, पीसीएस में पूछा जा चुका है ये, लिखिएगा मैं जो बोल रहा हूँ। अर्जेंटीना और उरुग्वे के, ध्यान दीजिएगा जो नाम लिखा है मैंने, जो कहा है मैंने, अर्जेंटीना और उरुग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे के वृक्ष रहित समशीतोष्ण घास, वृक्ष रहित समशीतोष्ण घास के मैदान को, समशीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहते हैं। ये अभी आप नाम देख पाए तो ये अर्जेंटीना और उरुग्वे में इनको पंपास के नाम से जाना जा रहा है और ये समशीतोष्ण घास के मैदान हैं। कल के लेक्चर में, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करी थी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कौन सा है, ट्रॉपिकल जोन। उसके बाद शीतोष्ण कटिबंध कौन सा है, आप देखेंगे 23.5 डिग्री से लेके उत्तर की तरफ हम जाते हैं तो 66.5 डिग्री जो रेखा है वहाँ तक समशीतोष्ण कहीं ना कहीं काउंट हो रहा है और ये लोकेशन उसी के अंतर्गत आ रही है। तो अर्जेंटीना और उरुग्वे, मतलब दक्षिण में अगर हम बात करें तो वहाँ पे अर्जेंटीना उरुग्वे के वृक्ष रहित समशीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहते हैं, पंपास के नाम से जाने जाते हैं, जो जहाँ की प्राकृतिक दशाएं, आप लिखिएगा जहाँ की प्राकृतिक दशाएं गेहूं की कृषि के लिए अनुकूल हैं, जहाँ की प्राकृतिक दशाएं गेहूं की कृषि के लिए अनुकूल हैं। यहाँ रोसेरियो से लेकर बाहिया ब्लांका तक के क्षेत्र में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, जिसे गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी भी बोलते हैं, अर्धचंद्राकार पेटी। रोसेरियो से लेकर बाहिया ब्लांका तक अर्धचंद्राकार पेटी, ठीक है, किसको जाना जा रहा है, जो रोसेरियो से लेकर बाहिया ब्लांका तक। एक छोटा सा होमवर्क जैसे कि मैं हर लेक्चर में देने का प्रयास करता हूं, आप लोगों को यह बताना है कि जो कैरेबियन सी के पास, एक आप लोगों ने एक लोकेशन का नाम सुना होगा कि जहाँ पे कोई भी कंपास काम नहीं करता है ना, कोई भी जहाज जाता है वो डूब जाता है। मैं किस लोकेशन की बात कर रहा हूँ ये आप कमेंट करके बताइएगा, है ना, और वो कितने क्षेत्रों से घिरा हुआ है, अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट कीजिएगा, बाकी बच्चे जो नहीं जान रहे हैं वो उनके कमेंट जरूर देखिएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में जरूर उसके बारे में चर्चा करूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट। कैरिबियन सी की बात कर रहा हूँ मैं, उसके आसपास एक क्षेत्र है, हालांकि हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा कि पंपास के जिस क्षेत्र की प्राकृतिक दशाएं गेहूं की कृषि के लिए अनुकूल नहीं है, जिस क्षेत्र की कृषि की गेहूं की कृषि के लिए अनुकूल नहीं है वहां मांस उत्पादन के लिए पशुपालन किया जाता है। भाई जब गेहूं नहीं मिलेगा तो मांस उत्पादन हो रहा है, तो जो पंपास का जो क्षेत्र जहाँ पे गेहूं की कृषि नहीं हो पा रही है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे मांस उत्पादन किया जा रहा है, ठीक है। फिर लिखिएगा कि पशुओं के लिए जो चारा यूज़ किया जा रहा है उस घास को किस नाम से जाना जा रहा है, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो लिखिएगा कि पशुओं के चारों के लिए अल्फा अल्फा घास, क्या नाम है, अल्फा अल्फा, सिंपल सा प्रश्न क्या पूछा गया परीक्षा में, अल्फा अल्फा क्या है, ऑप्शन, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन यू विल हिट। तो अब आपको पता लग गया कि अल्फा अल्फा तो घास है, क्यों, क्योंकि जहां पे मांस उत्पादन हो रहा है, गेहूं की कृषि नहीं हो पा रही है पंपास क्षेत्र के आसपास, मांस उत्पादन हो रहा है और वहां पे पशुओं को चराने के लिए चारे के रूप में अल्फा अल्फा घास का प्रयोग किया जा रहा है, अल्फा अल्फा घास का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़े। ठीक है, अल्फा अल्फा घास का उपयोग किया जा रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा।
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ें। देखिए, कई बार परीक्षा में होता है, अधिकांश छात्र जब परीक्षा में बैठते हैं तो उनका प्रश्न मतलब यही होता है कि कोई अगर आंसर नहीं कर पा रहे हैं तो वो क्या बोलते हैं, आपके साथ भी हुआ होगा, यार ये कहाँ से आ गया, इतना पढ़ा था ये कहाँ से आ गया। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पढ़ाई में कमी तो रही, जिस स्तर की डिमांड है इस परीक्षा के लिए हमें उस स्तर तक जाना ही पड़ेगा, है ना। अब जब आप उस स्तर तक जाइएगा तो फिर कैसा भी प्रश्न आ जाए, मैंने मान लिया आपकी बात कि भाई हो सकता है इससे बाहर कोई प्रश्न आया, अरे तो चार ऑप्शन भी तो मिलते हैं आपको। आफ्टर कंप्लीटिंग दैट सेगमेंट्स यू विल बी इन ए पोजिशन टू अटेंड दैट क्वेश्चन ऑल्सो, है ना। जो क्वेश्चन आपका अनपढ़ा हुआ आ गया, आपने नहीं पढ़ा था, कंटेंट के द्वारा नहीं पढ़ पाए या नहीं जानकारी आ पाई, चार ऑप्शन मिलेंगे आप लोगों को, अपना आंसर निकाल लेंगे आप लोग। मैं बात करूँगा इसके ऊपर, क्वेश्चन के ऊपर, कि जहाँ एम सी क्यू है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है सारे कंटेंट को पढ़ लेने के बाद, और जो एम क्यू क्यू है मल्टीपल क्वेरी क्वेश्चन, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है तो हम उसे कैसे अटेम्प्ट करेंगे, ये भी आपको सीखना है, है ना। तो हम लोग प्रयास करेंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर से कि हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर पाएँ, तो थोड़ा आपका एक आइडिया बनता रहे, है ना। एक पॉइंट ज़रा समझिएगा कि दक्षिण अमेरिका में जो अर्जेंटीना, जिसकी राजधानी ब्यूनस आयर्स है, और जो मोंटी वीडियो आप लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पे मांस प्रसंस्करण का उद्योग होता है, उसके लिए बहुत फेमस है। और आप लिखेंगे इसमें एक पॉइंट बना के कि दक्षिण अमेरिका का ब्यूनस आयर्स और मोंटेवीडियो, ब्यूनस आयर्स और मोंटेवीडियो, ब्यूनस आयर्स और मोंटेवीडियो मांस प्रसंस्करण उद्योग की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। कौन सा, आपने लिखा ब्यूनस आयर्स और मोंटेवीडियो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा इसी के अंतर्गत कि अर्जेंटीना और पराग्वे के मिश्रित वनस्पति प्रदेश, अर्जेंटीना और पराग्वे के मिश्रित वनस्पति प्रदेश को ग्रैंड चाको बोलते हैं। नाम आ गया जो ग्रैंड चाको आपने लिखा था, लिख लीजिएगा इसमें। देखिए, ये तो मांस प्रसंस्करण के लिए इम्पोर्टेंट है, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है, ये आप जानते ही हैं, और मोंटेवीडियो पराग्वे की राजधानी है, पराग्वे उरुग्वे, पराग्वे की अंशु की है ना, उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट जो लिख रहे हैं कि अर्जेंटीना और पराग्वे के मिश्रित वनस्पति प्रदेश को ग्रैंड चाको बोलते हैं, और चाको एक पुर्तगाली शब्द है, चाको एक पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ होता है, पुर्तगाली शब्द है और चाको का अर्थ होता है आखेट, चाको का अर्थ होता है आखेट, है ना। यानी आप कह सकते हैं हंटिंग लैंड, आखेट भूमि या हंटिंग लैंड, आप लिख लीजिएगा इसको, कि जिसको चाको का अर्थ, चाको पुर्तगाली शब्द है जिसका अर्थ है आखेट भूमि या हंटिंग लैंड, हंटिंग लैंड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी में कि पहले इस क्षेत्र में जनजातीय समुदाय शिकार के द्वारा अपना जीवन निर्वहित करते थे, अब यही समुदाय स्थायी रूप से जीवन निर्वहन के लिए पशुपालन करते हैं। पहले क्या करते थे कि शिकार कर रहे हैं, इसी ग्रैंड चाको को जिसको आखेट भूमि हंटिंग लैंड के नाम से जाना जा रहा है, अपने जीवन निर्वहन के लिए शिकार कर रहे हैं,
और आज की डेट में यानी अब वर्तमान में अगर आप कहें तो ये पशुपालन कर रहे हैं अपने जीवन के निर्वहन को करने के लिए, ठीक है। उसके बाद ब्राज़ील और बोलेविया के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो लिखिएगा इसमें एक पॉइंट कि ब्राज़ील और बोलेविया में अवस्थित मैटो ग्रैसो, आपने नाम लिखा था मैटो ग्रैसो का पठार, ब्राज़ील और बोलेविया में अवस्थित मैटो ग्रैसो का पठार, मैटो ग्रैसो का पठार, देखिए अधिकांश सेगमेंट हम लोग लास्ट लेक्चर में बात कर चुके हैं लोकेशन वाइज सारी चीज़ें जो हैं, अब इसी के संदर्भ में क्या क्या चीज़ें आपको जाननी है वही हम नोट कर रहे हैं, है ना। तो लिखेंगे आप लोग कि ब्राज़ील और बोलेविया में अवस्थित मैटो ग्रैसो का पठार उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से, उत्पत्ति एवं संरचना की दृष्टि से ब्राज़ीलियन हाईलैंड का ही एक भाग है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ब्राज़ीलियन हाईलैंड का ही एक भाग है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड का ही एक भाग है। यहाँ के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को, अब देखिए उष्णकटिबंधीय जोन में आ गए, ट्रॉपिकल जोन में आ गए आप लोग, यहाँ के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को ब्राज़ील में कंपास कहते हैं, कंपोस, कैंपोस, नाम लिख दे रहा हूँ, यानी कहाँ जा रहा है, ब्राज़ील, ब्राज़ील में घास के मैदान को कंपोस, अर्जेंटीना में घास के मैदान को पंपास, नॉर्थ अमेरिका में घास के मैदान को प्रेरी, ये टर्म आपको ध्यान रखनी है, इनको आप चाहें तो हाईलाइट भी करके मेंशन कर सकते हैं सो दैट यू गैस कैन रिमेंबर एटलीस्ट, है ना। अब इसमें एक चीज़ लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट, जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है, ब्राज़ील मैप आपने बनाया हुआ है आपके सामने, तो जो ब्राज़ील वाला, जो ब्राज़ील वाला जो हिस्सा है वो कहने के हाईलैंड पे है, है ना। इसमें लिखिएगा कि ब्राज़ीलियन हाईलैंड प्राचीनतम चट्टान से निर्मित एक महाद्वीपीय पठार है, प्राचीनतम चट्टान से निर्मित एक महाद्वीपीय पठार है ब्राज़ीलियन हाईलैंड, ये जो ब्राज़ीलियन हाईलैंड है ये महाद्वीपीय पठार से निर्मित, महाद्वीपीय पठार, महाद्वीपीय पठार से निर्मित एक प्राचीनतम चट्टान है, है ना, जो खनिज संसाधन के भंडार की दृष्टि से, जो खनिज संसाधन, खनिज संसाधन के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है, सर्वाधिक संपन्न क्षेत्र है। और यहाँ बेलो हॉरिजोंटो के समीप, आप देखिएगा मैप में अपने, बेलो हॉरिजोंटे, बेलो हॉरिजोंटे, बेलो हॉरिजोंटे के समीप इटाबिरा लोह अयस्क के खनन, इटाबिरा यहाँ पे आप अवस्थित देखेंगे, इटाबिरा, इटाबिरा किसके लिए, लोह अयस्क, बेलो हॉरिजोंटो के समीप अवस्थित इटाबिरा लोह अयस्क के खनन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। देखिए जो आपका सेगमेंट शुरू होगा, मैं आपको बताऊं इसके ऊपर, इसके संदर्भ में ही, कि जो सौर मंडल में पृथ्वी हम लोग डिस्कस करेंगे और ये जो सारी चीज़ें आप लोग पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं एनसीईआरटी को बेस बनाते हुए ही आप लोगों की कक्षाएं शुरू हैं, है ना। और इसके संदर्भ में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आप एनसीईआरटी की बुक को देखें ध्यान से तो एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर में इसका जिक्र है, बेलो हॉरिजोंटे का, है ना। अब भाई देखिए एनसीईआरटी को बेस बनाते हुए चलना है और आप इस लेक्चर के माध्यम से जो जो चीज़ें पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी एनसीईआरटी कवर्ड हैं, है ना। इंडिविजुअल एनसीईआरटी कवर करवाई जाएंगी, वो आगे का प्लानिंग रहेगा, वी विल डिस्कस टू यू लेटर ऑन, हम लोग बात करेंगे उसके ऊपर। लेकिन अभी आप ध्यान दीजिएगा कि बेलो हॉरिजोंटे ये कहीं ना कहीं वहाँ मेंशन है और यहाँ पे देखें आप प्रश्न के रूप में भी परीक्षा में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप यहीं पे देखेंगे साओ फ्रांसिस्को, लिखेंगे एक पॉइंट बना के कि साओ फ्रांसिस्को, मैं नाम लिख दे रहा हूं, साओ फ्रांसिस्को, पराना,
नाम लिखिएगा पराना, साओ फ्रांसिस्को पराना और उरुग्वे नदी, और उरुग्वे सैन फ्रांसिस्को, साओ फ्रांसिस्को पराना और उरुग्वे नदी ब्राज़ीलियन हाईलैंड से निकलती हैं। तो ये कहाँ से निकल रही हैं? इसी ब्राज़ीलियन हाईलैंड से साओ फ्रांसिस्को पराना और उरुग्वे नदी निकलती हैं। दक्षिण अमेरिका का यह क्षेत्र कॉफ़ी की दृष्टि से, कॉफ़ी जो आप लोग पीते हैं, दक्षिण अमेरिका का यह क्षेत्र कॉफ़ी की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं, और ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागानों को, यानी ब्राज़ील में अगर बात करें, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागान, कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखिएगा इसके बारे में, ठीक है। फेजेंडा, फेजेंडा के लिए किसको जाना जाता है, सिंपल सा प्रश्न, या कॉफ़ी के बागान जो ब्राज़ील में हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, फेजेंडा। और ये कहाँ अवस्थित हैं, ब्राज़ीलियन हाईलैंड में, जहाँ पे साओ फ्रांसिस्को पराना और उरुग्वे नदी जहाँ पे प्रवाहित हो रही हैं, और उसी के आसपास के क्षेत्र कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जहाँ पे कॉफ़ी के बागानों को फेजेंडा के नाम से जाना जा रहा है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, साओ पोलो, साओ पोलो, साओ पोलो लिखेंगे इसके बारे में कि साओ पोलो कॉफी के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। आप देखें अपने मैप में, उसको मार्क करें, उसको हाईलाइट करें कि साओ पोलो कॉफी के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। यहाँ ब्राज़ील की, यह ब्राज़ील की वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी भी है। कौन? साओ पोलो। रेस कर रहा हूँ इधर, साओ पोलो ब्राज़ील की वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी, वित्तीय और व्यावसायिक राजधानी है। कौन है? साओ पोलो। ठीक है, लिखिएगा इसके अंतर्गत, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र होने के साथ वस्त्र उद्योग का भी सबसे बड़ा केंद्र है। जो सर्वाधिक जनसंख्या होने के साथ, साओ पोलो जो है सर्वाधिक जनसंख्या होने के साथ वस्त्र उद्योग का भी सबसे बड़ा केंद्र है, वस्त्र उद्योग का भी सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, सबसे बड़ा केंद्र है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि वित्तीय व्यावसायिक राजधानी है, सर्वाधिक जनसंख्या है साओ पोलो में, वस्त्र उद्योग का भी यहाँ पे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा केंद्र देखने को मिल रहा है, और इन्हीं सब के चलते इसको ब्राज़ील का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है। तो ब्राज़ील का मैनचेस्टर किसको कहा जा रहा है? साओ पोलो को। इसमें लिख लीजिएगा एक पॉइंट कि साओ पोलो को ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहते हैं, साओ पोलो को ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, साओ पोलो को ब्राज़ील का मैनचेस्टर कहते हैं। ध्यान रखिएगा, मैनचेस्टर एक जगह का नाम है जहाँ पे वस्त्रों का ही काम होता है। भारत में नॉर्थ इंडिया की बात की जाए, उत्तर भारत का या भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जा रहा है? अहमदाबाद। इसी तरीके से मैनचेस्टर आखिरकार ये है कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में बताइएगा, सर्च कीजिए, ये मैनचेस्टर आखिरकार है कहाँ? ब्राज़ील का मैनचेस्टर तो माना जा रहा है, क्यों? क्योंकि वस्त्र का उद्योग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इतना तो क्लियर होता है कि मैनचेस्टर कहीं ना कहीं वस्त्रों के लिए जाना जाता है। या आखिरकार लोकेशन है किस देश में, कमेंट करके बताइएगा आप लोग।
आप लोगों के लिए छोटा सा होमवर्क, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसी साओ पॉलो के संदर्भ में, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट लिखेंगे, साओ पॉलो बंदरगाह पर पड़ने वाले अत्यधिक दबाव को कम करने के लिए सेंटोस बंदरगाह का निर्माण किया गया है। इस पे अत्यधिक दबाव पड़ने के कारण एक बंदरगाह बनाया गया है सेंटोस, आप देखिए मैप में मिल गया, सेंटोस बंदरगाह का निर्माण किया गया है। सेंटोस बंदरगाह का निर्माण किया गया है, क्यों किया गया है, ताकि साओ पॉलो का जो अतिरिक्त भार है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और वो सेंटोस बंदरगाह के रूप में सामने आ रहा है, ठीक है। इसी में एक पॉइंट लिखेंगे कि साओ पॉलो से सेंटोस तक चलने वाली रेल, साओ पॉलो से सेंटोस तक चलने वाली रेल को कॉफी रेल के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, है ना, जिसका उपयोग सेंटोस तक कॉफी ले जाने के लिए किया जाता है, ठीक है। भारत के क्षेत्र की अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट, एक बाबा थे जो इथोपिया गए घूमने के लिए और वहाँ पे उन्होंने, इथोपिया अफ्रीका का एक देश है, ना, वहाँ पे वो घूमने गए, वहाँ से वो कॉफ़ी लेके आए और उन्होंने भारत में आके, आई मीन उस कॉफ़ी को पिया, बहुत अच्छा लगा उनको, और उस कॉफ़ी के बीजों को लाके उन्होंने भारत में बो दिया, जहाँ पे बहुत अच्छे खासे स्तर की कॉफ़ी देखने को मिलती है, और उस जगह का नाम उन्हीं के नाम से पड़ गया, उनका नाम था बाबा बुदन, उस जगह का नाम है बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, है ना। थोड़ा सा आप लोग भी सपोर्ट करें, थोड़ा वर्कआउट करें और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ कहाँ हैं। जो जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूँ उनको अलग से हाईलाइट, ध्यान रखिएगा कि बाबा बुदन की पहाड़ियाँ भारत में किस राज्य में है। मैं नाम लिख दूँ, बाबा बुदन, बाबा बुदान या बाबा बुदन भी कह देते हैं, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ भारत के किस क्षेत्र में है ये आपको बताना है। चलिए वापस आइए बैक टू पवेलियन, फिर लिखिएगा कि सेंटोस कॉफी निर्यात की दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है, इसलिए सेंटोस को कॉफी पोर्ट हिंदी में बोलते हैं कहवा पत्तन कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। सेंटोस बंदरगाह को याद रह जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसके अंतर्गत आप लिखिएगा गुयाना हाईलैंड। अब हम थोड़ा नॉर्थ की तरफ बात करेंगे, जहां पे आप लोगों ने गुयाना, फ्रेंच गुयाना देश आपने देखे थे, तो इसमें लिखिएगा कि गुयाना हाईलैंड का विस्तार, थोड़ा इरेज कर दें इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, गुयाना हाईलैंड, है ना, इसमें लिखिएगा कि गुयाना हाईलैंड का विस्तार वेनेजुएला से लेकर पूर्व में फ्रेंच गुयाना तक है। वेनेजुएला से लेकर फ्रेंच गुयाना तक है। गुयाना हाईलैंड का विस्तार, आप लोग ऊपर का भी हिस्सा देख पाइएगा, कुछ इस तरीके से मूव है। अभी हम लोग आगे चल के बात करेंगे अमेज़न नदी के बारे में, है ना।
अभी आएगा आपके सामने वो पॉइंट, बात करेंगे इसके ऊपर। तो इसमें लिखिएगा कि यहाँ तक इसका विस्तार है और दक्षिण में ब्राज़ील तक है, पूर्व से लेकर यानी वेनेजुएला से लेकर फ्रेंच गुयाना तक है और दक्षिण में ब्राज़ील तक भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। दक्षिण में ब्राज़ील तक भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। इसमें एक पॉइंट लिखिएगा कि उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से, उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से यह ब्राज़ीलियन हाईलैंड का ही एक भाग है। उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से ये ब्राज़ीलियन हाईलैंड का ही विस्तार है, ब्राज़ीलियन हाईलैंड का ही एक भाग है, विस्तार है आप कह सकते हैं। अभी आप लोगों ने ब्राज़ीलियन हाईलैंड के बारे में समझा है ना। अब इसमें एक पॉइंट लिखेंगे कि यहाँ वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जलप्रपात, सुना है आप लोगों ने एंजल झरना, एंजल जलप्रपात, यहां विश्व का सबसे ऊंचा, आप लिखेंगे इसके अंतर्गत कि यहां विश्व का सबसे ऊंचा वेनेजुएला में सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है। एंजल जलप्रपात कहां है? वेनेजुएला। वेनेजुएला में विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में है, ठीक है। इसमें लिखिएगा एक पॉइंट कि यह उच्च भूमि से निकलने वाली और ओरिनोको नदी, आप देखिएगा मैप में मार्क जरूर कीजिएगा, ओरिनोको नदी है ना, ये उच्च भूमि से निकलने वाली ओरिनोको नदी वेनेजुएला से होते हुए उत्तरी अटलांटिक महासागर में गिरती है, यानी वेनेजुएला से होते हुए जाएगी ओरिनोको नदी और उत्तरी अटलांटिक महासागर में अपना जल गिरा दे रही है। मैप आपके सामने बना हुआ है आपकी नोटबुक पे, उम्मीद कर रहा हूँ। उसके बाद देखेंगे इस नदी बेसिन के उष्णकटिबंधीय घास को, इस नदी बेसिन के उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को लानोस कहते हैं, यानी वेनेजुएला में घास के मैदान को क्या बोला जा रहा है? लानोस है ना। अर्जेंटीना आपने पढ़ा, ब्राज़ील आपने देखा और वेनेजुएला आपने देखा है ना, यानी ये चार लोकेशन आप लोग ध्यान रखें, ये तीन लोकेशन एटलीस्ट ध्यान रखेंगे जहाँ पे पंपास, कैंपोस, लानोस के नाम से घास के मैदान को जाना जा रहा है। प्रेरित हो गया नॉर्थ अमेरिका में है ना, यहाँ से भी अधिकांश प्रश्न देखने को आते हैं। फिर लिखिएगा कि यह नदी बेसिन खनिज तेल की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वेनेजुएला का, ये जो नदी बेसिन है ये खनिज तेल की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वेनेजुएला का, याद रह जाएगा यहाँ तक। चलिए आगे बात की जाए इसी के संदर्भ में, लिखिएगा इसमें कि वेनेजुएला में कैरेबियन सी के तट पर आपने तट देखा हुआ है कैरेबियन सी के तट पर अवस्थित मैराकाइबो झील, मैं मेंशन कर रहा हूँ इसका नाम, मैराकाइबो झील यानी ये कैरेबियन सी के तट पर अवस्थित मैराकाइबो झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील मैराकाइबो झील, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मैराकाइबो झील, ठीक है। इसमें एक पॉइंट और मेंशन कीजिएगा कि इस झील का तटीय क्षेत्र भी खनिज तेल के उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है ना। इस झील का जो तटीय क्षेत्र है वो खनिज तेल की दृष्टि से, ये वाला लोकेशन जो है खनिज तेल की दृष्टि से साउथ अमेरिका का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है
सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्लियर है यहाँ तक? मेरा क्या है वो झील। अब उसके बाद जरा एक चीज़ समझिए कि जो अभी हम लोगों ने एंजल झरना पढ़ा, जो सबसे ऊंचा झरना है, यहाँ पे नदी का नाम जरूर मेंशन कर लीजिएगा कौन सी नदी पे है। आप लिख लेंगे कि एंजल जलप्रपात कैरो नदी पर अवस्थित है। एंजल जलप्रपात कैरो नदी, एंजल जलप्रपात, एंजल जलप्रपात जो है कैरो नदी पे, ये सबसे ऊंचा झरना है, विश्व का सबसे ऊंचा झरना, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब आपने जो पेरू लोकेशन पढ़ी है, पेरू जिसकी राजधानी लीमा है, और वहाँ से एंडीज पर्वत से होते हुए, आप अपने मैप में देखिए जो मैप आपने बनाया हुआ है, पेरू जिसकी राजधानी लीमा है, वहाँ पे एंडीज पर्वत से होते हुए एक नदी का उद्गम हो रहा है जिसका नाम है अमेज़न नदी। सुना है आप लोगों ने नाम? बहुत बढ़िया, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आगे बात करते हैं इसके ऊपर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए कुछ हल्का सा रफली डायग्राम देखें जरा, कि यहाँ पे आप लोगों ने पेरू पढ़ा था और यहाँ पे वेनेजुएला से लेकर एंडीज पर्वत निकला हुआ है, और उसके बाद ब्राज़ील का लोकेशन आप लोगों ने देखा, यहाँ से होते हुए कहीं ना कहीं ये अमेज़न नदी, अमेज़न नदी ये विश्व की सबसे बड़ी नदी में काउंट होता है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बड़ी नदी कहा है, लंबी नदी नहीं, विश्व की सबसे बड़ी नदी में काउंट किया जाता है जल आयतन के संग्रहण के क्षेत्र में। मतलब कि अगर कोई नदी सबसे लंबी है ना, और कोई नदी सबसे ज्यादा आयतन ग्रहण कर रही है, यानी पानी के संदर्भ में ध्यान दीजिए, तो उस संदर्भ में सबसे बड़ी नदी अमेज़न नदी। इसमें आप एक बार बना के लिखिएगा कि पेरू के एंडीज पर्वत से निकलने वाली अमेज़न नदी ब्राज़ील से होते हुए अटलांटिक महासागर में गिरती है, और यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है, विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी, लंबी टर्म ध्यान दीजिए, सबसे लंबी नदी है ना, और जल आयतन के संग्रहण के आधार पर, और जल आयतन के संग्रहण के आधार पर सबसे बड़ी नदी है। ये टर्म आपको परीक्षा में फंसाती है, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी नदी जल आयतन संग्रहण के आधार पर, जल आयतन संग्रहण के आधार पर कौन सी नदी है? अमेज़न। आप लोग देखते होंगे इसी पे ही एक वेबसाइट बनी हुई है amazon.com, तो जैसे उस वेबसाइट पे आप लोग सब कुछ परचेस कर सकते हैं, उसी तरीके से ये जो नदी अच्छा खासा जल ग्रहण लेके चल रही होती है। यहीं पे एक मेंशन कीजिएगा कि मोडेरिया इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। मोडेरिया आप देखेंगे मैप में, आपको दिखेगा, आप लिखिएगा मोडेरिया इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। भाई कोई नदी ऐसे बह रही है, वो जितना पानी लेके आ रही है अपने साथ, और एक नदी इसको यहाँ ज्वाइन कर ले, तो अब जो पानी बहेगा अब वो उसका आयतन और बढ़ जाएगा, समझ पा रहे हैं? तो मोडेरिया जो है वो इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा, किसकी? अमेज़न नदी की, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि अमेज़न नदी के विषुवत रेखीय वन को, अमेज़न नदी के विषुवत रेखी, हमने पढ़ा था इक्वेटर लाइन यहीं से जा रही है, तो अमेज़न नदी के विषुवत रेखीय वन को सलवास कहते हैं। क्या बोलते हैं? सलवास, सलवास के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। आप लिखेंगे अत्यंत सघन वन होने के कारण, अत्यंत सघन वन होने के कारण इसकी गम्यता अत्यंत कम है, जो इस क्षेत्र के आर्थिक पिछड़ेपन का एक महत्वपूर्ण कारण भी है। इतनी सघनता है कि कोई व्यक्ति वहाँ नहीं जा पाएगा, जंगली जानवर हैं, है ना, इतनी यहाँ पे सघनता हो जाने के कारण किसी व्यक्ति का भी आवागमन नहीं है, है ना। आप कई बार डिस्कवरी चैनल पे इन सब दृश्यों को देख पाते होंगे,
यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो डेंसिटी है, जो अनाच्छादित जो क्षेत्र है, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है ना। अब यहाँ पे एक पॉइंट और मेंशन करेंगे कि जो अमेजोन जो नदी का जो बेसिन है, बेसिकली यहाँ पे सबसे पहले रबड़ का पेड़ देखा गया, रबड़ का वृक्ष यहाँ देखने को मिला। तो यहाँ लिखिएगा कि अमेजोन नदी के बेसिन में पहली बार, अमेजोन नदी के बेसिन में पहली बार रबड़ के वृक्ष को देखा गया। रबड़ के वृक्ष को कहाँ देखा गया? अमेजन नदी के बेसिन में पहली बार इस वृक्ष को देखा गया, जो अब विश्व स्तर पर रबड़ के उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब इसमें मेंशन कीजिएगा। अब थोड़ा ब्राज़ील की तरफ अगर हम लोग मूव करें, तो ब्राज़ील में आप एक क्षेत्र देख पाएंगे जिसका नाम है केप डे साओ रोक। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, केप डे साओ रोक। आप इसको सर्च करके इसको हाईलाइट जरूर कीजिएगा अपने मैप में। ठीक है, इसके समीप आप रिसीफ देख पाएंगे, रिसीफ एक लोकेशन है इसी के समीप, रिसीफ मिल गया, रिसीफ। इसी के समीप रिसीव जो है वो विश्व स्तर पे चीनी के निर्यात की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये जो रिसीफ है, जो केप डे साओ रोक के नज़दीक जो अवस्थित है, ये चीनी के निर्यात के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। चीनी के निर्यात की दृष्टि से ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है रिसीफ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कीजिएगा इसी में कि इसे चीनी निर्यात का बंदरगाह, इसे चीनी निर्यात का बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, चीनी निर्यात का बंदरगाह। चीनी निर्यात का बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है किसे? रिसीफ, ध्यान रह जाएगा। इसमें एक पॉइंट और मेंशन कीजिएगा कि एंडीज पर्वत से निकलने वाली कोलोरेडो और नेग्रो एंडीज पर्वत से निकलने वाली कोलोरेडो और नेग्रो अर्जेंटीना की नदियां हैं जिसका निकास दक्षिणी अटलांटिक महासागर में होता है। अर्जेंटीना की नदियां हैं जिसका निकास दक्षिणी अटलांटिक महासागर में होता है। ठीक है, इसी में एक पॉइंट मेंशन कीजिएगा कि कोलोरेडो नदी बाहिया ब्लांका, जो आपने लोकेशन लिखी थी अभी, कि कोलोरेडो नदी बाहिया ब्लांका की खाड़ी में, बाहिया ब्लांका की खाड़ी आप यहीं देख पाएंगे, बाहिया ब्लांका की खाड़ी में, और नेग्रो नदी सैन मेटियास की खाड़ी में। मैं नाम लिख दे रहा हूँ, सैन मेटियास, है ना। आपने लिखा कि कोलोरेडो नदी बाहिया ब्लांका की खाड़ी में और नेग्रो नदी आपका सैन मेटियास की खाड़ी में गिरती है। और लास्ट पॉइंट इसमें मेंशन कीजिएगा कि अर्जेंटीना में वेल्डास प्रायद्वीपी दक्षिण अमेरिका का सबसे नीचा स्थान है। ध्यान दीजिएगा, अर्जेंटीना में वेल्डास, आप देखेंगे इसको, वेल्डास दक्षिण अमेरिका में, वेल्डास प्रायद्वीपीय दक्षिण अमेरिका का सबसे नीचा स्थान है, सबसे नीचा स्थान दक्षिण अमेरिका का जो आपने अब तक यहाँ पे देखा है। ठीक है, तो गाइज ये था आपका साउथ अमेरिका के संदर्भ में सारा कार्यक्रम। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रयास करेंगे कि कॉस्मोलॉजी, जहाँ पे हम लोगों ने बात करी थी खगोलीय पिंडों का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, उसको हम लोग पैरेलली लेके चलेंगे। और कॉन्टिनेंट सीरीज़ आप लोगों के साथ कंटिन्यू चलती रहेगी। कॉन्टिनेंट सीरीज़ में नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा अफ्रीका महाद्वीप। थोड़ा आप भी देखे रहिएगा जब हम लोग चीज़ों को समझें, तो ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा फैमिलियर रहे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस टाइम।